नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कारोर गांव की, जो कि रोहतक के अंदर पड़ता है। इस गांव के अंदर दिवाली के उपलक्ष में पटाखे चारों तरफ जलाए जा रहे थे, उसी में एक गोलीबारी की आवाज आई और लगातार 15 से 20 फायरिंग की गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कारोर गांव की बात कर लेते हैं तो कारोर गांव में गैंगवार पहले भी हो चुकी है और ये सिलसिला आज के समय में कोई नया नहीं है। कारोर में ऐसी घटनाएं लगातार घटती रहती है। तो बात कर लेते हैं कारोर गांव की। कारोर गांव की बात की जाए तो रोहतक का सबसे चर्चित गांव है, जहां पर दो बड़ी गैंगें रहती हैं। एक है अनिल चिप्पी की गैंग और दूसरी है छज्जू गैंग। दोनों ही गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव है और इनके बीच में गैंगवार लगातार चलती रहती है। अब की बार में भी इसी गैंगवार का कोई शिकार हुआ है, कोई व्यक्ति था उसका भी कुछ निजी मामला चल रहा था और इसी के चक्कर में उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लगातार उस पर 15 फायरिंग की गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई और अन्य भी कुछ उसके परिवार के व्यक्ति थे उन पर भी लगातार फायरिंग की गई, लेकिन वो भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। लगभग 25 से 30 राउंड फायर किए गए। कुछ व्यक्ति आए जिसकी संख्या बताई गई है 5 से 7 और उन्होंने लगातार धड़ाधड़ फायरिंग स्टार्ट कर दी। दिवाली का मौका था तो लोगों को लगा कि कोई पटाखे जला रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे बात खबर दूर तक फैली पूरा गांव चौकन्ना हुआ और तब तक वे एक व्यक्ति की हत्या करके भाग चुके थे। कारोर गांव का इतिहास तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, हमने अनिल छिप्पी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही छज्जू गैंग भी बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है, दोनों गैंगों के बीच लगातार गैंगवार की खबरें आती हैं। और तीसरा ये वाक्या आप लोगों के बीच में आया है, इससे पहले भी कारोर गांव के बहुत से व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है और बहुत से लोगों ने हत्याएं भी की हैं जो कारोर से बिलोंग करते हैं। ऐसा ही सिलसिला लगातार चलता रहता है। कारोर गांव पूरा हरियाणा के अंदर एक गैंगवार के तौर पर जाना जाता है और गैंगवार का शिकार फिर एक व्यक्ति इसकी बलि चढ़ चुका है। कारोर गांव में कब थमेगा इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं। गांव के लोग चाहते हैं कि यहां पे शांति रहे, लेकिन आए दिन आए साल ऐसी कुछ वारदातें होती हैं जिससे कि अनेक घर उजड़ जाते हैं, अनेक लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसी वारदातें कारोर गांव में एक इतिहास के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन प्रेजेंट में भी ऐसा ही चल रहा है। कारोर गांव में ये थमने का नाम ही ले रहा है। एक व्यक्ति चला गया और एक व्यक्ति जेल के अंदर, एक जो 5-7 लोगों का समूह था वो चला जाएगा, कुछ घर बर्बाद हो जाएंगे, कुछ ऐसा ही सिलसिला लगातार चलेगा, फिर उनके परिवार वाले उनका बदला लेंगे, ऐसा ही गैंगवार लगातार चलता रहता है। तो आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कि ये गैंगवार रुकनी चाहिए या इसका कुछ दी एंड होगा या नहीं होगा, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।